और कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्कार सर, अलवर से, राजस्थान अलवर से बहुत अरे करता वाह हूँ वाह सर। वाह वाह, तो अलवर के तो मिल्क केक, अलवर हाँ का नाम बिल्कुल आते ही बिल्कुल आता सर, है। बड़ा ही धन्यवाद खूबसूरत शहर, और मेरे बड़े खास मित्र धन्यवाद वहाँ से धन्यवाद रखते सर। रहते हैं, और बड़ा ही प्यारा शहर है। और उत्तर प्रदेश को सीमाएं छूती हुई इन हाँ ज़िलों हाँ की, बताएं सुनील जी, किस तरह मदद की जाए आपकी? सर, मई में मैंने कैनरा बैंक के 700 शेयर 118 की रेट पर लिए थे, कितना? और 120 रुपये पे ना? नहीं 118, बाद में मैंने कुछ और ले लिए थे तो थोड़ा सा 118 आ गया मेरा एवरेज प्राइस, ठीक है, 118 रुपये के आसपास, ये ठीक एक सौ करेंगे। अठारह रुपये 700 शेयर। ठीक है, ठीक है, और IRCTC 170, 170 शेयर 1008 की रेट पर। अच्छा, तो ये थोड़ा हम और दुरुस्त करेंगे। IRCTC 170 शेयरों की संख्या है, 100 नहीं है, और कैनरा बैंक 118 शेयरों की संख्या है, नहीं, 700 शेयर, 700 एक सौ शेयरों की अठारह संख्या, की माफ़ रेट। कीजिएगा, 118 के भाव पे। चलिए, अब हमें बता दीजिए कि कितना समय दे सकते हैं इन स्टॉक्स को? कम से कम दीपावली तक है, और यदि कुछ पॉजिटिव लगा तो और 1 महीना एक्सटेंड कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। स्नेहा, मैं आपके पास आना चाहूँगा। 118 रुपये के भाव पे कैनरा बैंक के 700 शेयर इनके पास हैं, 1021 के भाव पे 170 शेयर इनके पास हैं IRCTC के। बताइए इन दोनों पर क्या नज़रिया बन रहा है? दीपावली तक भी रुक सकते हैं, उसके आगे भी अगर पॉजिटिव लग रहा हो तो वहाँ तक भी जा सकते हैं। प्रशांत जी, अगर पहले तो कैनरा बैंक की बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखें तो काफी समय से सपोर्ट जरूर ले रहा था, बट रिसेंटली जो सेलिंग प्रेशर आया है बिलो जो 200 सिंपल मूविंग एवरेज है, वो इतना कोई खास नहीं लग रहा है, जिसके कारण लग रहा है करके कि पॉसिबिलिटी करके यहाँ से थोड़ा सा और प्रेशर में रह सकता है काउंटर। एक इमिडिएटली सपोर्ट की बात करें तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा करेक्शन आके 94-92 ये लेवल भी देखने को मिल सकता है, अगर थोड़ा सा सेलिंग रहे तो। मेरा मानना करके कि अगर उनके जो जो टाइम होराइजन है उनके पास, वो ज्यादा भी नहीं है कि यहाँ से बहुत ज्यादा चीजें डेवलप चेंज हो जाएगी, बट अभी के लिए आई वुड सजेस्ट करके कि एक फिक्स स्टॉप लॉस आप 94 का लगाएं, थोड़ा बने रहें। अपसाइड में काउंटर के लिए इम्पोर्टेंट है करके कि 105, 107 ये लेवल्स निकालें, अगर ये इसके ऊपर जाता है तो थोड़ा सा इसमें जो एटलीस्ट जो पेन है वो थोड़ा सा सब्सिडाइज हो जाएगा और पॉसिबिलिटी करके कि एक रिकवरी देखने को मिलेगी। और उसके बाद अगर ये 110, 112 ये लेवल्स या इसके ऊपर जाता है तब इसके थोड़े चार्ट स्ट्रक्चर अच्छे हो जाएंगे, नहीं तो पॉसिबिलिटी करके कि हायर लेवल से सेलिंग ही रहे। तो अभी के लिए आई वुड सजेस्ट करके कि 94 का एक फिक्स स्टॉप लॉस लगा के बने रहे, क्योंकि मार्केट में जिस तरह से ओवरऑल थोड़ी सी स्ट्रेंथ है, डिस्पाइट थोड़ी एक प्रॉफिटिंग आई, बट ओवरऑल फिर भी एक स्ट्रेंथ है मार्केट में, तो वो रीजन आई वुड सजेस्ट करके कि थोड़ा सा होल्ड करें, बने रहे। और दूसरा चीज, दूसरा काउंटर जो आपने बताया IRCTC, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन दिखने को मिल रहा है मार्केट में, अगर आप देखें तो थोड़ा सा करेक्शन के बाद ही कंसोलिडेशन है। मेरा मानना है करके कि एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप लगा लें अराउंड 1905 का और बने रहे। मोमेंटम आने के लिए अगेन इट इज इम्पोर्टेंट कि 950 का लेवल क्रॉस हो, 950 के बाद इसमें अच्छी मोमेंटम आ जाएगी, चार्ट स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत की बात नहीं है, होल्ड किया जा सकता है। तो जैसा स्नेहा जी ने बताया कि बाज़ार में एक कंसोलिडेशन फेज़ है और वो हमें दिख भी रहा है। देखिए,